हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए गाइस मैं एक वीडियो बनाया था क्विक टाइम प्लेयर में वो आधा घंटे का मैंने बनाया था पता नहीं यार क्या हुआ दैट वीडियो हैज़ गॉन रॉन्ग मतलब अपलोड नहीं हो रहा है वो तो दिस द सेकेंड टाइम आई एम मेकिंग द वीडियो तो इस बार मैं अपना रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसमें पंद्रह मिनट का ही सिर्फ टाइम पीरियड है तो मैं जितना चीजें वहाँ पर डिटेल में बताया था पता नहीं डिटेल में नहीं बताऊंगा बट आई विल कवर ईच विल्ड एवरी थिंग, ए बिट फास्ट so, का मैं आज नहीं करूंगा टाइम नहीं होगा बट थर्सडे को हमने ऑलरेडी बोला था कि बैंक निफ्टी में आप भाई लोग बेसिकली आप जो है वो शॉर्ट मत करना क्लियरली बोला था राइट कोटक बैंक के साथ जिन जिन जिनने व्यू के साथ ट्रेड किया उनको फायदा हुआ होगा राइट मैं एक चीज फटा अभी फटाफट बोल देता हूँ वहां पे आधा घंटा

तो ये जो जोन है ये जोन से हमारी कल एक सेल जोन हमको मिल सकती है तो वीकली बेसिस पे वीकली का पहले एनालिसिस कर लेते हैं वीकली बेसिस पे गाइस देखो तो मैं अगर यहां भी एक बार ले लू ये लेवल से ओके स्विंग लो टू ऑलरेडी सेवेंटी पॉइंट सिक्स के आसपास आ गया ट्वेंटी टू थाउजेंड टू एटी आ गया ऑलरेडी आ गया ठीक है थीके? तो जनरली ट्रेंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए बैंक निफ्टी को यहां से गिरना ही पड़ेगा अगर नहीं गिरा तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है सो दैट मींस वीकली के हिसाब से अगर हम देखें बैंक निफ्टी अगर ये लेवल के ऊपर क्लोज करता है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर आवरली कैंडल अगर क्लोज कर देता है एक या दो हम पोजिशनल आप बाय ले सकते हो अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ये आ जाएगा भले यह रेंगते रेंगते जाए बट ये आ जाएगा आराम से आएगा ठीक है बाकी दो लेवल ये करो ये पहले से है जस्ट इग्नोर देम जस्ट बट ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन एंड सी दैट बैंक निफ्टी इज रेस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन ओके ठीक है नाउ इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ आई डोंट हैव टाइम मैं थोड़ा फास्ट करूँगा पिछले वीडियो में एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में बताया था वो डिटेल में यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मेरे इंडिकेटर से ऑलरेडी आप प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो बैंक निफ्टी अगर कल गिरेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से गिरेगा भी तो इसकी हमारी जो बुकिंग होगी ये ट्वेंटी टू थाउजेंड के आसपास इसकी बुकिंग होनी चाहिए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड

अगर ये ड्रॉ करके देखो तो ये ट्रेन लाइन ऑलरेडी ब्रेक करके गया है ये गिरेगा तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेगा बट दैट इज वे बियॉन्ड नेक्स्ट वीक ठीक है वो जब आएगा मैं आपको सिनारियो बता दूंगा अभी जो है अभी के लिए जो हमारी वीकली जो रेंज हो जाती है वो मेरे ख्याल से यह रेंज हो जाएगी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेके स लेके ये वाला लेवल ट्वेंटी पॉइंट का रेंज है बोलोगे सर मेरे को 2000 पॉइंट का रेंज क्यों दे रहे हो अब ये वीकली रेंज है बैंक निफ्टी में वीकली 2000 पॉइंट का ही रेंज होता है ठीक है सो दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू बी इन बाकी देखते हैं मंडे क्लोजिंग के बाद क्लियर हो जाएगा मंडे क्लोजिंग के बाद अगर ये डाउन ट्रेड कंटिन्यू करता है देन आवर टारगेट ऑन द डाउन साइड विल बी क्वाइट गुड अदरवाइज ये ऊपर साइड कंटिन्यू कर करता है दिस वुड भी फर्स्ट टारगेट एंड देन वी विल सी वॉट इज द नेक्स्ट टारगेट ओके बट वीकली मेरे ख्याल से ऊपर साइड इससे ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड 500 वगैरह 600 वगैरह से ज्यादा जाने के पॉसिबिलिटीज इसके कम है ठीक है ट्रेंड लाइन जो दिया है वो देख लेना वीकली ले। फिर वो ऑलरेडी लेवल क्रॉस कर गया तो इसके ऊपर गया तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग व्यू हो जाएगी कि बैंक निफ्टी ऊपर साइड जा रहा है बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रहा है अभी ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी क्रूसियल लेवल का जो आपको मॉनिटर करनी है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड की मेन मैं बेसिकली मंडे का ट्रेडिंग आपको बता देता हूँ सिर्फ दो ट्रेड दूंगा आपको डाउन साइड में मैं आपको कुछ ट्रेड नहीं दे रहा हूं क्योंकि डाउन साइड में अगर बैंक निफ्टी नीचे फटाफट गिर भी जाता है ना तो ये कंसोलिडेट कर जाएगा ना हमें ज्यादा बड़ा सेल देगा ना ज्यादा बड़ा बाय देगा तो हम वहां पे स्कैल्पिंग करेंगे कल मंडे को अगर ये बहुत बड़ा लंबा कैंडल बना जाए देखो लंबा कैंडल अगर बनेगा पांच सौ पॉइंट रेड कैंडल बना दिया तो ट्रेड क्या करोगे आप मंडे को कुछ ट्रेड नहीं कर पाओगे ठीक है तो हमारी वहां पर ट्रेड बनती ही नहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया तो हम स्ट्रैंगल कर सकते हैं स्ट्रैंगल कर सकते हैं हम आइडियली उससे ज्यादा ज्यादा कुछ करेंगे नहीं तो डाउन साइड मेरा कुछ ट्रेड कल है नहीं मंडे मैं डाउन साइड में कोई ट्रेड आइडियली करूंगा नहीं या तो बटरफ्लाई लगा दूंगा या फिर स्ट्रैंगल कर दूंगा उससे ज्यादा कुछ मेरा ट्रेड मंडे का है नहीं इंडरा के हिसाब से नहीं। 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 एक एक ट्रेड आपको देता हूं जो पॉसिबल हो सकता है मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से वो पॉसिबिलिटीज ये है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप मतलब हंड्रेड गैप अप होना चाहिए द रीजन आई एम टेलिंग यू की हंड्रेड गैप अप होना चाहिए क्योंकि मिनट के हिसाब से जाओगे ना यहाँ पे देखो आपको एक कंजेशन जोन मिलेगा बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी पॉसिबल है कि यहाँ पे गिर जाए 350 से ही गिर जाए ठीक है तो गिरेगा तो हम पकड़ नहीं पाएंगे ठीक है यहां से ओपन हुआ हंड्रेड पॉइंट सीधा गिरना चालू हुआ तो हम पकड़ नहीं पाएंगे स्क्वायर डेट तो दैट माइट नॉट बी ए गुड ट्रेड फॉर अस ओके बट अगर वैसा होता है और ये रुक जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हम फिर एक सेल ले सकते हैं वो लाइव में लेंगे सेल ले सकते हैं टारगेट हमारा यही है सॉरी ये वाला ट्वेंटी टू थाउजेंड है उसके बाद ट्वेंटी यही टारगेट है बट ये, ये बीच का जो सेल है ना वो थोड़ा कॉशियसली हमें लेना पड़ेगा द द प्रोबेबिलिटी इज 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 वेरी वेरी लेस गेटिंग हिट हाई ओके दैट रीजन आई एम सेइंग ये हंड्रेड पॉइंट के ऊपर गैप अप करना चाहिए और ये ऊपर जाए मॉर्निंग में ऊपर जाने दो उसको थोड़ा बहुत क्यों जाएगा मैं थोड़ा स्टॉक्स के एनालिसिस में आपको बता दूंगा मॉर्निंग में ही इसको ऊपर जाने दो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करें ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो मैं यहाँ से एक सेल का ट्रेड दू 500 पॉइंट का मेरा सेल का ट्रेड होगा कल अगर यहां से गिरता है मैं बताता हूं कैसे इसका बिहेवियर होना चाहिए ये जैसे आपको दिख रहा है हायर हाई हायर हाई हायर हाई ये ऊपर की तरफ बनाते जा रहा है अगर आप चैनल ड्रॉ करोगे ना ये चैनल थोड़ा अप ट्रेंडिंग है ये सिमिलर काइंड ऑफ चैनल ठीक है ये ये कैंडल को भूल जाओ आप सिमिलर काइंड ऑफ चैनल नीचे साइड अगर यहाँ पे बन जाता है पहला आधा घंटा फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स तो भाई साहब आप एक ट्रेड आराम से ले सकते हो क्योंकि दस साढ़े दस के बाद मेरे ख्याल से एक सेल आ जानी चाहिए अगर इसको स्ट्रगल हो रहा है आर वन क्रॉस करने में या ये लेवल क्रॉस करने में ठीक है ये ये चैनल वाला जो बात बताया उसको ध्यान में रखना अगर ये ऐसे आया मैं सेल मार दूंगा स्टॉप लॉस वेरी सिंपल है फोर सेवेंटी पे सेल करेंगे फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टेन का स्टॉपलेस रखेंगे 40 का stop loss में, में 10 कमा नहीं पाओगे बाइंग कर लेंगे रीटेस्टिंग यहाँ पे ओके okay? अदरवाइज ये सेल देगा तो कल पांच पॉइंट का सेल देगा मिनिमम मिनिमम फाइव पॉइंट का सेल इसको दे देना चाहिए कल मेरे हिसाब से ठीक है ये होगी हमारी कल की बैंक निफ्टी की ट्रेड टाइम बहुत कम है पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा बोला था यार बट एनी आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं देखो निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है सिंपल है ये बता देता हूँ निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो ये पहले भी मैंने आप लोगों को बोला हुआ है लास्ट वीक वाले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो ये ट्रेंड लाइन देखो रेस्पेक्ट करना चाहिए ठीक है ये ट्रेंड लाइन अगर रेस्पेक्ट करेगा तो इसकी लेवल क्या है अगर आप देखोगे ये देखो ये कल की ये होगी ना ये एक लेवल है हमारी फोर फोर्टी टू फोर फोर्टी टू एक लेवल है मेरी एक लेवल फोर थर्टी ट्वेंटी टू नहीं थर्टी सिक्स का है ये गलत है फोर थर्टी सिक्स का एक लेवल है ठीक है ये का हाई है क्या नहीं है बट थर्टी सिक्स का एक लेवल है सो फोर थर्टी सिक्स टू फोर फोर्टी टू एंड ये दस पॉइंट का डिफरेंस है तो आप यहां से सेल ले सकते हो फोर थर्टी सिक्स टू फोर से आप एक सेल ले सकते हो स्टॉपलेस so, आपको फोर सिक्सटी का रखना है ज्यादा नहीं क्योंकि ये ट्रेन लाइन को ऊपर क्रॉस कर गया ना फिर इसको गिरना बहुत मुश्किल होगा मतलब वेरी रेयर चांसेस ऑफ

अब ये फोर सिक्सटीन तक आ गया है ठीक है फोर सिक्सटीन तक आ गया मैं थर्सडे तो को सेल करता नहीं किया बट नहीं किया तो ठीक है मेरे बच गए दस पंद्रह सेव्ड तो आई बट आई विल टेक सेल फ्रॉम हियर क्या मार्केट मेरा स्टॉप लॉस उड़ाएगा पॉसिबल है इज ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट पॉसिबिलिटी है मार्केट स्टॉप लॉस उड़ाएगा आई एम रेडी टू गिव दैट स्टॉप लॉस ओके बट ये अगर गिरेगा तो मोस्ट प्रोबली इस तरह की कैंडल बनाएगा दिख रहा है आपको ये ट्रेंड लाइन में जैसे ये कैंडल दिख रहा है ये गिरेगा फिर ये रिटेस्ट करेगा फिर ये गिरेगा जब गिरेगा वहां पे हम पोजिशनल सेल लेंगे ऑलमोस्ट 150 तक यहाँ तक 50 परसेंट का रिकवर रिकवर करेगा हो और यहां से 300 हंड्रेड पॉइंट भी आप सेल ले सकते हो अगर ये ये वाला पैटर्न दिख रहा है एग्जैक्टली exactly ये पैटर्न आना चाहिए आपको कल गिरना चाहिए ट्यूजडे को ऊपर जाएगा ट्रेन लाइन रिटेस्ट करेगा फिर गिरेगा ट्यूजडे गिरेगा वेडनेसडे गिरेगा अब ये थर्सडे को गिरेगा नहीं गिरेगा अलग बात है बट हम पोजिशनल टारगेट हंड्रेड तक लेके जा सकते हैं अगर यहाँ पे सिनारियो रिपीट हो गया वेरी एवरीबडी क्लियर ट्रेन लाइन पे ट्रेड कैसे करना है ठीक है लेवल आपको कल जो ध्यान देना है निफ्टी का वो इलेवन थाउजेंड फोर थर्टी सिक्स फोर फोर्टी टू फोर फोर्टी सिक्स सब दो दो पॉइंट का फर्क है ठीक है बट उसके ऊपर ध्यान देना है आपको ठीक है निफ्टी जो मैंने ट्रेन लाइन आपको बताया आपको ठीक है वो ट्रेन लाइन को अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है हम स्टॉप प्लस दे देंगे फिर मंडे का क्लोजिंग का वेट करेंगे या ट्रेन लाइन पे सपोर्ट का रिटेस का वेट करेंगे फिर हम बाय करेंगे फिर तो मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे नहीं आने वाला है ठीक है तो हम ट्यूसडे के वीडियो में वो कवर कर लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वीकली एनालिस में बता देता हूँ अगर मार्केट ऊपर चला गया ना तो हम फिर फोर का टारगेट देखेंगे ओके अदरवाइज मार्केट नीचे आना चालू करता है तो इलेवन का हम टारगेट देखेंगे ठीक है ये बहुत कम टाइम में, में मेरे को करना पड़ रहा है बट ओके मैं स्टॉक्स कर देता हूँ गैस

डरली कंसोलिडेटेड फॉर थ्री आवर्स लुक एट दसोलिडेशन ओके ना ये यहां से गिरा यहाँ पे जो भी मोमेंट हम जिस साइड दिखेगा ऊपर दिखेगा तो ब्रेकआउट बनेगा नीचे आएगा तो नीचे साइड ब्रेकआउट बनेगा आपको यही मॉनीटर करना है बेसिकली कल निफ्टी के मोवमेंट के लिए मोस्टली ओके okay? रिलायंस छोड़ दो रिलायंस एलोन राइज वो कंसोलिडेट कर देगा ठीक है एच डी एफ सी को मॉनिटर करो इंडस इंड बैंक देखो ये एक्चुअली

ये फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करे या प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए तो नहीं, बैंक अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करता पे देख सकते। बैंक ये सब हम डेली चार्ट में करेंगे एक बार। बैंक देखो इसका दिया बुझने वाला है थोड़ा ऊपर जाएगा गिरेगा आईसीआईसी बैंक माइट गिव यू एन सरप्राइज ओके तो आईसीआईसी बैंक को खाली देखना मतलब एक्सिस बैंक को डरने की जरूरत नहीं है सेल साइड में अगर हो आईसीआईसी बैंक ऊपर जाएगा एंड इट माइट गिव यू सरप्राइज कोटा बैंक शुड कंसॉलिडेट तो इसका भी ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है एच डी एफ सी बैंक थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा ऊपर ये लेवल जा सकता है पॉसिबिलिटीज है इलेवन इलेवन हंड्रेड फिफ्टीन तक लेके जाएंगे और एच डी एफ सी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही चाहिए मुझे एक रेड कैंडल चाहिए एच डी एफ सी में अभी तभी जाके इसका अप मूव होगा तो पॉसिबिलिटीज है अगर अदरवाइज इसकी अब मूव पॉसिबल नहीं है तो एच बैंक मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग देना चाहिए तो आपको जो मॉनिटर करना है गैस वो मॉनिटर करना है आईसीआईसी बैंक कि कहीं हमारे व्यू के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है ऊपर साइड और इंडस बैंक ओके एक्सिस बैंक ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा कोटक बैंक कंसोलिडेट गे करना चाहिए एच डी एफ सी बैंक को थोड़ा मॉनिटर करो कि कितना ऊपर जा रहा है ओके और गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है इट और निफ्टी के लिए एच डी एफ सी ओके एस डी एस सी का सिनारियो ऑलरेडी दे दिया ठीक है पंद्रह मिनट में मैं इतना ही कर पाया गैस बाकी जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को वीडियो देखने के बाद ग्रुप में आके पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री है सबको पता है ठीक है जो नए व्यूअर्स हैं तो कल मिलते हैं लाइव में ओके मैं कुछ वीकली बड़ा एनालिसिस किया था बट ये वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ बट देट्स ओके लेवल दे दिया आपको लेवल पर काम करो जय माता दी गुड नाइट और कल कल मार्केट में मिलते हैं थैंक यू